हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स यूनिट फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन। तो हम जानते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टॉपिक्स को हम ज़रूर पढ़ के जाना है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर मेंडल्स के तीनों रूल आते हैं। उन तीनों रूल्स को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, तीनों लॉज को पढ़ के जाना है। क्या इनका कंक्लूजन होता है उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्मिनोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजी के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, सिबलिंग स्पीसीज, प्योर लाइन, इन जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स का मतलब अपने को पता होना चाहिए, तो इनको भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जीन इंट्रैक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शंस में बहुत सारी इंट्रैक्शंस आती है, जिसके अंदर से अपने को मेनली जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस है, पेनिट्रेंस है, एक्सप्रेसिविटी है, फिनोकॉपी है, जो इम्प्रिंटिंग है, उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, डुप्लीकेट जीन, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इनको पढ़ के जाने हैं जीन इंट्रैक्शंस में। उसके बाद में फोर्थ टॉपिक आता है टेट्राड एनालिसिस। जो यीस्ट के अंदर और न्यूरोस्पोरा के अंदर जो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड टेट्राड बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, उनका क्या फॉर्मूला आता है उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालने का, तो ये ज़रूर पढ़ के जाना है। उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की इनहेरिटेंस को पढ़ना है। साथ में ही जो स्नेल के अंदर सेल की कोइलिंग है, उसका क्या रेशो बनता है, किस बेस पे सेल कोइलिंग होती है, उसको भी पढ़ना है मैटरनल इफेक्ट के अंदर। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, डोमिनेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव, वाई लिंक्ड, तो इन कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, किस तरह से होती है, जिसमें से इम्पोर्टेंट जैसे फिनाइल किटोन्यूरिया है, एल्केप्टोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, इनका अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में पेडिग्री, यहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर से ही अपने को पेडिग्री के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है QTL, क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकस, या जो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस या क्वालिटेटिव ट्रेड्स होते हैं उनमें और क्वांटिटेटिव ट्रेड के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको पढ़ना। साथ में ही इसके अंदर हम हेरिटेबिलिटी को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन में स्ट्रक्चरल एब्रेशंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल एब्रेशंस भी होते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल एब्रेशंस है, एक तो पॉलीप्लोइडी इम्पोर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल एब्रेशंस के अंदर जो सिंड्रोम है वो जरूर पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन के अंदर भी म्यूटेशन के जनरल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से होता है, म्यूटेशन के कारण क्या होते हैं, या म्यूटाजन कौन कौन से होते हैं, टोटोमर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर इस म्यूटेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है म्यूटाजन। म्यूटाजन को ज़रूर पढ़ के जाना है, कितने टाइप के म्यूटाजन होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, तो उनको ज़रूर पढ़ने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स यूनिट के, इनको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे एक ना एक कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनको ज़रूर पढ़ना है। थैंक यू।